नंबर सिक्स इमरान हाशमी, वो तो बॉलीवुड फिल्म लॉक का ट्रेंड शुरू करने वाले भाई, ये भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इनका भी वही मैटर होगा भाई कि ये बचपन में बन गए होंगे हाफिज कुरान, फिर बड़े होकर एक्टर बन गए जैसे गना अली जो बनी थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं रेहान और मैं हुसैन। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सेवन सेलिब्रिटीज हु आर हाफिज ए कुरान। सेलिब्रिटीज भी हाफिज ए कुरान होते हैं, ये सुन के थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना मुझे, और मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, पर वो फिर सेलिब्रिटी कैसे क्यों बन गए फिर? चलो ठीक है ना यार, सेलिब्रिटी बन जाते हैं वैसे तो जो हाफिज ए कुरान है वो खुद भी एक सेलिब्रिटी है। हाँ ये बात तो है। तो गाइज ये वीडियो है टॉक शॉप की तरफ से, मेक श्योर टू सब्सक्राइब देम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कौन कौन हाफिज कुरान है, तो शुरू करते हैं। Here we go. सेवन फेमस हाफिज कुरान सेलिब्रिटीज, वो मशहूर सात सितारे जो के हाफिज कुरान है। नंबर सेवन, एक्ट्रेस गना अली। दोस्तों पाकिस्तान शोबिस की खूबसूरत, बोल्ड और दिल रुबा अदाएं रखने वाली उभरती हुई अदाकारा गना अली ने अपने मद्दाहों और ड्रामा इंडस्ट्री को इस वक्त हैरत में मुब्तला कर दिया जब इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि वो हाफिज कुरान है। 26 जनवरी 1994 को लाहौर शहर में पैदा होने वाली खूबसूरत अदाकारा ने 2015 में अपने शोबिस के कैरियर का आगाज जियो टेलीविजन के हिट ड्रामा सीरियल संग दिल से किया, जिसमें इनकी जानदार अदाकारी ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। खूबरू अदाकारा ने अपना फिल्म डेब्यू मशहूर फिल्म रंग रेजा से किया। इनकी मुनफरिद अदाकारी और मुश्किल किरदारों ने जल्द ही इनको सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में ला खड़ा किया है, लेकिन फिर अचानक इन्होंने अपने मद्दाहों और इंडस्ट्री को एक और हैरानकुन झटका दिया। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रखने वाली खूबरू अदाकारा गना अली ने 16 मई 2021 को अपनी एक पोस्ट में अपने निकाह की तस्वीरें शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि वो 2 माह कबल ही कराची के एक बिजनेसमैन उमेर गुलजार से एक निजी तकरीब में निकाह कर चुकी हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि फेसबुक के एक सारिफ सैयद उबैद ने अदाकारा के शौहर की पहली बीवी और इनके एक बच्चे की तस्वीरें भी शेयर कर दी। अदाकारा गना अली ने खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि इनके शौहर एक आम कारोबारी शख्स हैं, जबकि दोनों के दरमियान 7 साल का एज डिफरेंस है, जबकि इन्होंने आज तक अपने शौहर को कभी भी वजन कम करने का नहीं कहा। इसके साथ एक सवाल के जवाब में अदाकारा ने इंकशाफ किया कि वो हाफिज कुरान है और ये एजाज इन्होंने बचपन में ही अपने नाम कर लिया। अदाकारा गना अली और उमेर गुलजार की अब एक खूबसूरत बेटी भी है और ये दोनों इस शादी से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। नंबर सिक्स इमरान हाशमी, वो तो बॉलीवुड फिल्म लॉक का ट्रेंड शुरू करने वाले भाई, ये भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बेटा अगर वही सीन है, किसी को अगर कहा जाए कि तू बिगड़ा हुआ लोंडा है तो उसके लिए ये कहा जाता है अबे तू इमरान हाशमी है, ज्यादा इमरान हाशमी बनने की कोशिश मत कर। हाफिज कुरान, इनका भी वही मैटर होगा भाई कि ये बचपन में बन गए होंगे हाफिज कुरान, फिर बड़े होकर एक्टर बन गए जैसे गना अली जो बनी थी। चलो देखते हैं मैटर क्या है। हियर वी गो। इमरान हाशमी का ताल्लुक एक सैयद घराने से है। 24 मार्च 1979 को मुंबई के एक सैयद घराने में पैदा होने वाले इस चार्मिंग अदाकार का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है, जबकि इनके वालिद सैयद अनवार हाशमी एक कारोबारी शख्सियत है। और इनकी डिटेल में जानने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद लाल सब्सक्राइब का बटन दबा कर और बिना आवाज वाला घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक सैयद घराने से ताल्लुक होने की जैसे इनके वालिद का मजहबी रुझान हमेशा से बहुत ज्यादा था और शायद यही वजह है कि इन्होंने इमरान हाशमी को बचपन में ही हाफिज कुरान बना दिया था। फिल्म फुटपाथ से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाले अदाकार इमरान हाशमी ने ये इंकशाफ अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया और साथ में ये भी कहा कि इनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत है और ये हर मुश्किल घड़ी में अपने रब को ही याद करते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि इमरान हाशमी के दादा सैयद शौकत हाशमी तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, जबकि इनकी दादी मेहरबानो जो कि एक अदाकारा थी, इन्होंने भारत में रहने का ही फैसला किया। फिल्म मर्डर, जन्नत, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और इसी जैसी और बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज देने वाली इस अदाकार का बॉलीवुड की मशहूर भट्ट फैमिली से भी गहरा ताल्लुक है और पूजा भट्ट और आलिया भट्ट इनकी कजन्स हैं, क्योंकि इनकी दादी की बहन शीरी मोहम्मद अली प्रोड्यूसर महेश भट्ट की माँ है। इमरान हाशमी ने 2006 में परवीन शाहानी से निकाह कर लिया था और इन दोनों का 12 साल का एक बेटा भी है। 2016 में अदाकार इमरान हाशमी ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बुक किस ऑफ लाइफ लिखी, जो कि इनके बेटे आयान की जिंदगी
जिंदगी पर मबनी है, जो कि 4 साल की उम्र में कैंसर में मुब्तला हो गया था और बरवक्त तशखीस होने से और इलाज होने से सेहत याब भी हो गया। नंबर 5 शफकत चीमा। दोस्तों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जबरदस्त और लेजेंडरी विलन शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगीनियों के बरक्स अपनी जिंदगी में इंतहाई परहेजगार और नेक दिल इंसान है। 20 नवंबर 1955 को लाहौर में एक आलमे दीन के घर में इन्होंने आंख खोली और ये अदाकार हाफिज़े कुरान भी हैं और कुरान के कारी भी हैं। आपको शायद ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि 1974 में लाहौर की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे नईमिया से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले शफकत चीमा एक दिन अचानक ही मुल्तान रोड लाहौर पर वाकया शाहनूर स्टूडियोज पहुंचे और फिर फिल्म की दुनिया की चकाचौंध जगमग जिंदगी ने इनको अपनी तरफ खींच लिया। 12 साल तक स्टूडियो के चक्कर काटने के बाद आखिरकार इनको सुल्तान रही जैसे अजीम फिल्मकार के साथ मशहूर फिल्म कालका में एक मामूली सा किरदार मिल गया, लेकिन फिर किस्मत की देवी इन पर मेहरबान होने लगी और चंद ही सालों में पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन बन के ये उभरे। मशहूर फिल्म काले चोर, चूड़ियां, रॉन्ग नंबर और ऐसी ही इन्होंने 80 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। चीमा साहब के 3 बेटे भी हैं, शहरियार चीमा, उमर चीमा और अहमद चीमा, जिनमें से 2 शोबिज में अदाकारी कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नदीम चीमा इनके भाई हैं। पाकिस्तान का ये अजीम फनकार आज भी मुख्तलिफ मस्जिद में जाकर अल्लाह का पैगाम लोगों में देता हुआ नजर आता है और बाकायदगी से तलावत कुरान पाक भी करते हैं। नंबर 4 मोहम्मद हफीज। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान और द प्रोफेसर के निकनेम से मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के बारे में कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता कि इनके सीने में भी कुरान मजीद जैसा अजीम कलाम महफूज है। और आज तक क्रिकेट लवर्स इस हकीकत से बेखबर थे, तहम 100 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग कराने वाले दुनिया के तेज तरीन बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने एक यूट्यूब व्लॉग में मोहम्मद हफीज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम का ये क्रिकेटिंग ब्रेन हाफिज़े कुरान भी है और आज से पहले ये बात सिर्फ इनके इंतहाई करीब लोग ही जानते थे। 17 अक्टूबर 1980 को शाहीनों के शहर सरगोधा में पैदा होने वाले प्रोफेसर ने 2003 में अपने कैरियर का आगाज किया। फिर चंद सालों में ही अपनी बॉलिंग और बैटिंग की वजह से शाहिद अफरीदी के बाद सबसे कामयाब ऑलराउंडर बन गए। कौमी क्रिकेट टीम और दुनिया की बहुत सी लीग में खेलने की वजह से आज इनकी नेटवर्थ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $23 मिलियन से ज्यादा है और अब ये प्रॉपर्टी का भी एक कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। 2012 के एशिया कप में भारत के खिलाफ इंजरी के बावजूद इन्होंने 113 गेंदों पर 105 रन बनाए और इनको तभी से द स्नेक ऑफ सरगोधा का खिताब भी मिला। हाल ही में लाहौर कलंदर की जानिब से PSL में खेलते हुए अपनी टीम को पहली बार ट्रॉफी जितवाने में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया और इस जीत में ये खुद भी शामिल थे। आजकल प्रोफेसर अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3 मोहम्मद रिजवान। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए सितारे मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 2021 में होने वाले ICC के T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर भारत को 10 विकेटों से तारीखी इबरतनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान इस तरह पहली बार रवायती हरीफ भारत को वर्ल्ड कप में हराने में भी कामयाब हुआ। सेमीफाइनल में शदीद बीमार होने के बावजूद भी मैदान में उतर कर इन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, जिस पर दुनिया क्रिकेट ने इनको पाकिस्तानी जॉन्टी रोड्स का खिताब दिया है। 1 जून 1992 को पिशावर में पैदा होने वाले पाकिस्तानी विकेट कीपर और बैट्समैन मोहम्मद रिजवान एक हाफिज़े कुरान हैं और एक मजहबी घराने से ताल्लुक होने की वजह से ये सादत इन्हें बचपन में ही हासिल हो गई थी। इनका मजहब से लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर मैच के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो ये वाटर ब्रेक के दौरान ही ग्राउंड में नमाज की नीयत बांध लेते हैं और नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। शायद ये इनके मजबूत ईमान की ही वजह है कि कराची किंग्स ने जब इनको बेइज्जत करके अपनी टीम से निकाला तो फिर इज्जत, दौलत और शोहरत इनके कदमों में आ गिरी। भाई आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन है कि इन्होंने जो बोला कि कराची किंग से इनको बेइज्जत करके बाहर निकाला, उसके बाद इनको शोहरत मिली, ये स्टोरी तो बेइज्जत वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, ऐसा क्या कुछ पंगा हुआ था इनका उनसे, ये कमेंट करके आप मुझे बताना है। ऐसे खिलाड़ियों को कैसे बेइज्जत कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा ये फारिग वक्त में भी कुरान पाक की तिलावत करते ही नजर आते हैं। यहाँ तक कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बैटिंग कोच के फराइज अंजाम देने वाले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैथ्यू हेडन को अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान पाक इन्होंने तोहफे में पेश भी किया है। अगर आपको रिजवान की ये बात अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मोहम्मद रिजवान की एक इंतहाई दिलचस्प कहानी इनके पसंदीदा व्हाइट पिलो यानी कि तकिए की है, जो कि अक्सर शायकीन ने इनको
हर वक्त अपने सीने से लगाए हुए देखा है। जब रिजवान से इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दरअसल विकेट कीपिंग के दौरान मुसलसल हेलमेट पहनने की वजह से इनकी गर्दन के पट्टों का मसला रहता है, तो डॉक्टर के मशवरे से वो ये नरम व्हाइट पिलो इस्तेमाल करते हैं और अक्सर होटल के कमरे के अलावा बस में भी गर्दन को ठीक रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 2015 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पाकिस्तान के इस उभरते हुए सितारे की निजी जिंदगी की बात की जाए तो ये शादीशुदा हैं और दो बच्चों के वालिद भी हैं। नंबर 2, सरफराज अहमद। दोस्तों बात करते हैं इस इंसान की जो कि हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ नात भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद की, जिनकी कप्तानी में ग्रीन शर्ट पहली बार भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 2017 में ICC की चैंपियंस ट्रॉफी का फतेह बना था और एक लंबे अरसे बाद ही पाकिस्तान को ट्रॉफी जीत पाया था। इस जीत के साथ ही भारत का मौका वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया और सरफराज अहमद के लिए एक जुमला अक्सर बोला जाने लगा कि सरफराज धोखा नहीं देगा। इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुब्तला इस हाफिज़े कुरान की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड T20 मैचेस में कामयाबी हासिल की और PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जितवा चुके हैं। अगर सरफराज अहमद की निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इनका एक खूबसूरत बेटा भी है जिसको अक्सर ये नात पढ़कर सुनाते हैं। वैसे आपको मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद में से कौन ज्यादा पसंद है और क्यों? कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं। नंबर 1, सऊद कासमी। दोस्तों 150 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और आपको यहाँ एक हैरानकुन दिलचस्प बात ये भी बताते चले कि इनके वालिद शाकर कासमी वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने क़ियामे पाकिस्तान के बाद पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर कुरान मजीद की तलावत का एजाज हासिल किया, जबकि इनकी बहन भी किरते कुरान पाक में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। चोर मचाए शोर, हवाएं, सलाखें और बेशुमार पंजाबी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले अदाकार सऊद खुद भी हाफिज़े कुरान हैं, जबकि इनकी बीवी अदाकारा जवेरिया सऊद बहुत ही अच्छी नातख्वां भी हैं। आपको शायद यकीन ना आए कि पाकिस्तान टेलीविजन के सबसे मशहूर नातख्वां कारी वहीद जफर कासमी इनके मामू हैं, जिनकी नातें आज भी हर जुबान जदे आम हैं। 9 अप्रैल 1963 को कराची में पैदा होने वाले 55 साल अदाकार आजकल कराची में ही अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल और पुर आसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों इन हाफिज़े कुरान सितारों में से अगर आपको किसी के साथ मुलाकात का मौका मिले तो आप कौन से सितारे से मिलना चाहेंगे और क्यों? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप किसी और ऐसी सेलिब्रिटी को भी जानते हैं जो कि हाफिज़े कुरान हैं और उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। भाई एक चीज के लिए मैं अभी से माजरा चाहता हूँ कि मैंने एक कोई ना कोई तो ऐसे सेलिब्रिटीज का फोटो थंबनेल में इस्तेमाल किया होगा जो इस लिस्ट में नहीं है। ये करने का रीज़न था, मेरा एक एक्सपेरिमेंट मुझे करना था कि कौन कौन वो उसको देखकर आता है, क्योंकि आप कमेंट करके सबसे पहले ये बता देना कौन कौन उस सेलिब्रिटी को देखकर आया है जो इस लिस्ट में नहीं है। बस मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था क्योंकि कई बार लोग ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक तो कोई फेमस हस्ती सेलिब्रिटी का नाम नहीं आए, क्योंकि इसमें सेलिब्रिटी तो दो तीन ही थे, उसके बाद क्रिकेटर थे, क्रिकेटर भी सेलिब्रिटीज ही होते हैं, बट सेलिब्रिटी कोई बोलता है तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, या तो शोबीज वाला बंदा। तो इस वजह से मैंने वो यूज़ किया फ़ोटो, तो उसके लिए अभी से सॉरी। वैसे एक बात है यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ओबियसली बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं सब के सब, हाँ, लेकिन अगर ये हाफिज़े कुरान है और अभी भी जैसे रिजवान की बात करें तो रिजवान को तो देख के लगता ही है, फिर अगर हम उनकी बात करें सरफराज, उन्होंने भी यार उनको भी नात वगैरह सुनी है मैंने चैनल पर उनकी, तो एक कुछ तो दिखता है, कुछ लोगों का तो दिखता है कि हाँ चलो ठीक है, लगता है कि हाँ है, लेकिन इमरान हाशमी यार वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। इमरान हाशमी, एक चीज़ में यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग सबसे करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो बताया इन्होंने इमरान हाशमी का या फिर वो गना अली, तो ये जो सेलिब्रिटी है इनका बताया है कि बचपन में ये हाफिज़े कुरान बन गए थे, उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में आए, तो आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कि ये सही है या गलत है ये हाफिज़े कुरान बनने के बाद सेलिब्रिटी बन जाना? तो ये कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ये मुझे जानना है आप लोगों की राय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।